मुजफ्फरनगर में लगातार इनर व्हील क्लब ऑफ द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए जन जागृति कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इनर व्हील क्लब द्वारा वैदिक पुत्री इंटर कॉलेज में 8 शौचालय एवं आंगन के नवीनीकरण का लोकार्पण किया गया। क्लब की अध्यक्ष संतोष शर्मा ने कहा कि आगे भी महिलाओं के जन कल्याण के लिए इनर व्हील क्लब लगातार कार्यक्रम करता रहेगा, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े और छात्राओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए जाएंगे। दरअसल वैदिक पुत्री पाठशाला में शौचालय की हालत बहुत खराब थी, जिससे छात्राओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरनगर ने वैदिक पुत्री पाठशाला के शौचालयों का नवीनीकरण का बीड़ा उठाया और इस कार्य को सफलतापूर्वक संगठन के साथ मिलकर समापन किया। मंगलवार को उन शौचालयों का लोकार्पण दर्शन मराठा ने किया। दर्शन मराठा इस स्कूल की 60 साल पहले स्टूडेंट भी रह चुकी है। जैसा पवन जी आप जानते हैं, इनर व्हील हमेशा बच्चों की एजुकेशन और उनके स्वास्थ्य और हाइजीन के लिए काम करता रहता है। उसी सिलसिले में हमने आज ये कार्य किया है। यहाँ पे 8 बाथरूम का रेनोवेशन और जो इसका पूरा शौचालय के आसपास जितनी भी जगह थी उसमें सब में टाइल्स लगाने का कार्य इनर व्हील के सहयोग से आज किया गया है। इसमें हमारी मुख्य अतिथि दर्शन मराठा जी हैं, जो गाजियाबाद से आई हैं, वाइफ ऑफ लेट वी के मराठा जी की वाइफ हैं और इस स्कूल से वो पढ़ी हुई हैं, तो उनका मन था इस स्कूल में कुछ अच्छा करने के लिए, लड़कियों की हाइजीन के लिए। इससे अच्छा क्या काम हो सकता है कि बाथरूम उनको साफ और स्वच्छ मिले। और महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? अभी हम आज स्कूल में कुछ बच्चों को सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाई गई थी लेकिन वो ख़राब हो गई है, तो उसी सिलसिले में आज हम सैनिटरी पैड लेके आए हैं, बच्चों को वो बांट रहे हैं और कोशिश करेंगे अगले कुछ दिनों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम यहाँ लगा दें। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने फीता काटकर लोकार्पण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में TDC अध्यक्ष संतोष शर्मा, सचिव अंजलि जैन, आंचल बंसल, दिव्या गोयल, अंशु स्वरूप बंसल, दीप्ति आनंद समेत बड़ी संख्या में इनर व्हील क्लब के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमारी ने सभी को फूल माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत एवं सम्मानित किया।